ओके, तो अभी जो आपने ऑडियो सुना ये था मेरा 200D Mark II का इंटरनल माइक्रोफोन। अभी आप सुनोगे बोया का BY-MM1 शॉटगन माइक और उसके बाद आप सुनोगे माउनो AO3 का कंडेंसर माइक। तो शुरुआत करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने भी दुष्यंत केदार और अभी आपको पीछे का सीक्वेंस अच्छा लगा रहेगा तो एक लाइक तो बनता है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कैमरा के रिलेटेड स्टफ, सिनेमैटिक स्टफ और फोटोग्राफी जो आर्ट है मैं, जो मुझे पसंद है, वो सब कुछ मैं पे पोस्ट करता रहता हूँ और हर वीकली एक वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी बिना टाइम गवाए फटाक से सेटअप के ऊपर जाते हैं। 3, 2, 1 गो। ओके, तो अब मजा आएगा आपसे थोड़ा गुफ्तगू करने में और आगे की चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। समटाइम्स यू डोंट रियलाइज द स्मॉल मोमेंट्स गोइंग इन योर लाइफ। सी, यू आर ब्रीदिंग द एयर, यू आर एंजॉयिंग द कलर्स ऑफ द नेचर। एट दैट टाइम यू विल रियलाइज दैट हाउ ब्यूटिफुल योर लाइफ इज। एट दैट टाइम यू आर फील यू आर अलाइव। ओके, तो अभी जो आपने ऑडियो सुना ये था मेरा 200D Mark II का इंटरनल माइक्रोफोन। अभी आप सुनोगे बोया का BY-MM1 शॉटगन माइक और उसके बाद आप सुनोगे माउनो AO3 का कंडेंसर माइक। समटाइम्स यू डोंट अप्रिशिएट स्मॉल मोमेंट्स इन योर लाइफ। सी, यू आर ब्रीदिंग, यू आर एंजॉयिंग द कलर्स ऑफ द नेचर। एंड देन यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल इज योर लाइफ। एंड देन यू विल फील दैट यू आर अलाइव। ओके, तो ये जो आपने ऑडियो सुना भी ये बोया का MM1 शॉटगन माइक का था और अभी जो आप सुनोगे वो होगा माउनो AO3 का माइक। आपको डिफरेंस बताना कैसा लगा। समटाइम्स यू डोंट अप्रिशिएट द स्मॉल मोमेंट्स गोइंग इन योर लाइफ। लुक अराउंड योर सेल्फ, यू आर ब्रीथिंग द एयर, यू आर एंजॉइंग दिस ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ द नेचर। एट दैट टाइम यू विल रियलाइज दैट यू आर एंजॉइंग द लाइफ एंड यू विल फील यू आर अलाइव। ऑल राइट, तो आप भी अपने सुना इन तीनों माइक्स का कंपैरिजन और आपको पता चला कि कौन सा माइक अच्छा है, कौन सा माइक लाइक वर्स नहीं है, लेकिन वो प्राइस पॉइंट में ये माइक बेस्ट है। ऐसा नहीं बोल रहा कि बोया इज़ नॉट दैट गुड। हालांकि मेरे जो पहले के वॉइस ओवर है वो सारे मैंने उसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किए और वो जो माइक है उस प्राइस में एक नंबर है, टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड करता है इवन व्लॉगिंग में और वॉइस ओवर में। लेकिन ये माइक मैंने क्यों ख़रीदा, क्योंकि ये माइक ऑफर में था। ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ऊपर आई कार्ड में लिंक होगा, निकल के आएगा, वहाँ पे क्लिक करना। और ये माइक मैंने कैसे ऑर्डर किया, जो माइक मुझे 4000 में पड़ा वो मैंने 2500 में कैसे ऑर्डर किया वो आपको वहाँ पे मालूम पड़ेगा। और अभी देखते इस माइक को कैसा सेटअप करते हैं, तो लेट्स गो। वेल ओके, तो अभी हम लोग माइक को सेटअप करते हैं। मैंने सब कुछ निकाल के रखा है ताकि आपको इजीली समझे आपको कौन सा पार्ट कहाँ पे निकालना है। कोई बड़ा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स निकाल के रखे हैं, ये हम लोग यहाँ पे फिट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा आर्म आएगा और यहाँ पे मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो फटाक से शुरुआत करते हैं, मैं कैमरा को सेट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो मेटल क्लैंप दिख रहा है आपको ये सीधा जाएगा वहाँ पे। तो फिट करते हैं। ओके, तो वहाँ पे वो अटैच प्रॉपरली अटैच्ड हो गया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये जो सीजर आर्म है, ये जो कोना है ये सीधा जाएगा उसके अंदर। लेट्स सी, ये कोना जाएगा सीधा इसके अंदर। ओके, पहले इसको लूज कर लेना है। ये जो नॉब दिख रहा है इससे आपको ये टाइट करना है। ओके, टाइटली टाइट हो गया और ये अभी घूम सकता है यहाँ वहाँ। ओके, और ये जो दिख रहा है हमें यहाँ पे लगाना है ये शॉक माउंट।
लगेगा कुछ ऐसे। ये पूरा लग चुका है। अभी ये नॉब है, इससे ये एंगल कंट्रोल होता है इससे, और इससे ये वाला नॉब से कंट्रोल होता है। ओके तो अभी सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है मेन माइक की। इस माइक को इस शॉप माउंट के अंदर बैठाना है। तो ये जो क्लिप दिख रहा है, ये क्लिप को ऐसा खोलना है, प्रेस करना है, और ऐसा, और मेक श्योर कि ये माउनो का सेट जिस तरफ होगा वहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड होगा। तो इसको इसके अंदर डाल देना। ऑलराइट, ये एडजस्ट हो चुका है। ऑलराइट, और ये जो साथ में केबल दिया है, इसका ये जो हेड है ये इसके अंदर जाएगा, और ये जो 3.5mm का जैक है ये आपके पीसी में जाएगा। तो इसे कनेक्ट करते हैं। ये जो बोया का माइक है ये सीधा आपके माइक पे लगता है, और 180 डिग्री मतलब जो सामने का आवाज़ आता है वो सीधा कैप्चर करता है, कोई नॉइज रिडक्शन नहीं करता। अगर आप बाहर हो तो बाहर का नॉइज़ कैप्चर होगा, हालांकि कुछ पॉइंट में नॉइज रिडक्शन होगा, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप जब पोस्ट में आवाज़ रिमूव करेंगे तो आपका वॉइस क्वालिटी में अफेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है कुछ 35 किलोहर्ट्ज़ टू 16 किलोहर्ट्ज़, और सेंसिटिविटी है -42 डेसिबल्स टू -1 डेसिबल, एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो है -76 डेसिबल। और अभी बात करते हैं माउनो AO3 की। ये माउनो AO3 कंडेंसर माइक है, शॉटगन माइक नहीं है। मतलब ये जो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा ये पोलर पैटर्न में करेगा, मतलब उसे हार्ड शेप में करेगा, मतलब सामने से मेरा आवाज़ कैप्चर करेगा। अब मैं इसे थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ। अभी मैं सामने से आवाज़ कैप्चर कर रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टर्न किया तो आप देख सकते हैं आवाज़ कैसा आ रहा है, और फिर से बीच में कर रहा हूँ तो कैसा आ रहा है, और अभी फिर से राइट में कर रहा हूँ तो कैसा आ रहा है। और ये जो माइक अभी मैं आपके तरफ करूँगा तो आप डिफरेंस खुद मालूम कर सकते हो कैसा आ रहा है। तो मैं फिर से ठीक से कर देता हूँ। ओके, तो जिस साइड में ब्रांडिंग होगी वहाँ से आपका आवाज़ कैप्चर होगा, ताकि ये मतलब ये वाला साइड, और साथ में आपको ये पॉप फिल्टर भी मिलता है ताकि आप नॉइज रिडक्शन कर पाओ। इसे बड़ा डाल के देखते हैं। ओके, तो अभी मैंने पॉप फिल्टर डाला है और आप समझ सकते हो कितना इफ़ेक्ट आ रहा है। और साथ में अभी मैं ये कंडेंसर भी डाल के देखता हूँ। बेसिकली जो कंडेंसर होता है ये जो प फ भ जो इंस्टेंट पीक्स आते हैं साउंड में उसको रिड्यूस करता है। तो मैं देखता हूँ। ओके, तो इतने डिस्टेंस पे कंडेंसर रख के बात करते हैं, तो इतने डिस्टेंस पे कंडेंसर रख के बात करते हैं तो आप ऑडियो क्वालिटी में फ़र्क जान सकते हो। जो सडन पीक होता है, जो प फ म नहीं नहीं प फ और भ, हाँ मतलब जो टी पी ए जो होता है साउंड्स, उनको ये रिड्यूस करता है, और काफ़ी स्मूद और ग्रेजुअली उसका ग्राफ होता है। तो फिलहाल मैं इसे निकाल देता हूँ। तो ऐसा कुछ इसका साउंड है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 30 Hz टू 16 kHz, एंड सेंसिटिविटी -30 dB टू -3 dB, और इसका सेंसिटिविटी है -30 dB टू ±3 dB, एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो है कुछ 70 dB। ओके, सो दिस वॉज अबाउट दिस माइक। अगर आपको परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हालांकि इसका प्राइस अभी थोड़ा 1000 से बढ़ गया है, मैंने 2500 में बाय किया था, और अब इसका प्राइस है कुछ 3800 rupees, और इसके बहुत पहले इसका प्राइस था 4000 rupees। तो बहुत अच्छी डील मिली मुझे अमेज़ॉन पे। आई होप आपको ईमेल है, आप भी सैड टू कार्ट करके रखिए, तो कभी आपको शायद से कुछ नोटिफिकेशन आ जाए। मुझे तो नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा ऐड टू कार्ट सेक्शन थोड़ा चेक करते रहिए हर हफ्ते, तो आपको शायद इसमें प्राइस ड्रॉप मिल जाएगा। तो बस अब इसके साथ हम अपना वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा रहेगा, और आगे भी बहुत वीडियोस आने वाले, बहुत पीसी रिलेटेड वीडियोस और गेमिंग रिलेटेड, और ब्लॉगिंग तो हमेशा चलती होगी, और बहुत सारे फ़ोटो टिप्स और ये सब कुछ आने वाले हैं इस चैनल पे, क्योंकि हर हफ्ते एक या दो वीडियो पोस्ट होगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने फ़ोटोग्राफ्स और जो सिनेमैटिक रील्स वगैरह होते हैं मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज दुशांत के साथ साइनिंग ऑफ।